त्योहारों का समय आते ही हर घर में बनती है मिठाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जितनी ये दिखने में सुंदर लग रही है उतनी ही ये टेस्टी और हेल्दी है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें रिफाइंड शुगर ऐड नहीं की है और ये मिठाई जो बनी हुई है बहुत ही ईजली बिना किसी चाशनी के बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है। तो इसकी रेसिपी जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इसे बनाने के लिए बेसिकली हमें तीन चीज़ चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है ये मावा जो कि मैंने घर पर ही बनाया है और इसे अच्छे से मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। लगभग एक कप मावा लेंगे और ये ही एक कप हमने मिश्री पाउडर लिया है, मैंने शुगर अल्टरनेटिव लिया है नेचुरल हेल्दी। और थर्ड चीज़ है जो हमारी रोस्टेड तिल है, ये भी लगभग एक कप ही लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स हेल्दी रूटीन। सबसे पहले हम अपने तिल को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से मिक्सी में। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है तिल का। इसके बाद जो मैंने ये मावा रोस्ट किया था उसी में ही मैंने ये ऐड कर दिया है तिल का पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इस समय हमें फ्लेम बिल्कुल तेज नहीं करना है, बिल्कुल सिम पर हम रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, दूसरे में बाइंड हो जाए। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे अपना मिश्री पाउडर। ये मैंने मिश्री पाउडर ऐड कर दिया है, नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव है, आप इसे ट्राई करें। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं लेकिन आपको वो जो वाइट कलर है बर्फी का वो नहीं मिलेगा आपको। और अब मैंने बिल्कुल ज़रा सा लगभग 2 चम्मच इसमें डाला है पानी, जिससे कि ये शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये सारा जो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से इसे चलाते हुए फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाए। इसमें जो पानी डाला है वो अच्छे से ड्राई अप हो जाएगा और हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा सेट होने के लिए। फ्रेंड, तिल खाना सबके लिए बहुत ही हेल्दी होता है, स्पेशली सर्दियों में। तो आप इसे अपनी डाइट में कैसे भी इंक्लूड करें, चाहे इसके लड्डू खाएं, चाहे इसकी बर्फी खाएं। ये मैंने अब घी डाल दिया है प्लेट में, इसी में मैं इसको जमा दूंगी। तो इसको ग्रीस कर लेंगे आप। अब देखिए ये और भी ज़्यादा थोड़ा थिक हो गया है और इसकी जो साइड्स किनारियाँ हैं उससे उसने जगह छोड़ दी है और सेंटर पे ये इकट्ठा हो गया है। तो अब ये रेडी हो गया है कि अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अक्सर जितनी भी मिठाइयाँ मार्केट में मिलती हैं वो सभी रिफाइंड शुगर से लोडेड होती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए जब भी आप मिठाई खाएं तो घर पर ही बनाएं और भले ही थोड़े अमाउंट में बनाएं आप, और उसमें नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स यूज़ करें ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपको खाने से पहले सोचना ना पड़े। ये मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया है, इसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठंडे होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली इसके पीसेस काट सकते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंगली शेप दे सकते हैं। ये मैंने कुछ काजू के पीसेस हैं जिनको सजा दिया है लाइन में। आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हल्का ठंडा होने के बाद मैंने नाइफ से इसके इस तरीके से पीसेस बना दिए हैं, ये लाइनिंग इस तरीके से कट कर दी है, जिससे जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके जो पीसेस हैं बहुत इजीली निकल आएंगे, क्योंकि पूरी तरह से इसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा। पूरा ठंडा होने के बाद मैंने ये इसके पीसेस निकाल लिए हैं। बड़े ही आसानी से आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं, ये देखिए। और बहुत ही सॉफ्ट है ये बर्फी, एकदम हार्ड बर्फी नहीं बनेगी ये।
और सबसे आसान है, हमने इसमें कोई चाशनी नहीं बनाई, कोई इसमें तार नहीं चेक किया, बहुत ही सिंपल तरीके से ये कोई भी इसे बना सकता है। बस आपको जो मैंने मेज़रमेंट दिया है आप उस मेज़रमेंट का यूज़ करें और आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी ब्यूटीफुल मॉम्स, बाय बाय।